क्या आप प्रोमो पर क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स पर सबसे ज्यादा ट्रेड करते हो? तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, और वीडियो के एंड में मैं एक सीक्रेट टिप देने वाली हूँ, तो एंड मिस मत करिएगा। पिछले कुछ दिनों में प्रोमो पर काफी सारे इवेंट्स को लेकर कंफ्यूजन रही, मैच टाई वाली, कि भाई अगर मैच टाई हो जाता है तो यस पर सेटल होता है या नो पर। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अभी रिसेंटली 27th को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के ODI का रिजल्ट नो रिजल्ट था, मतलब मैच टाई था, और ऐप पर इवेंट था कि क्या इंडिया न्यूजीलैंड से ये मैच जीत पाएगी, जो कि नो पर सेटल हुआ। अब आप पूछेंगे कि जब मैच का रिजल्ट नो रिजल्ट था तो नो पर सेटल कैसे हुआ? वो इसलिए क्योंकि सवाल विन का था और टीम नहीं जीती तो इवेंट नो पर सेटल होगा। सिमिलरली कबड्डी में तमिल और पटना का 15 तारीख को मैच टाई हुआ था, उस केस में भी सवाल था क्या तमिल पटना से जीतेगी, और इवेंट सेटल हुआ नो पर। अब देखो, इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि हर इवेंट पर ट्रेड करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए। जैसे अगर आपको लगता है कि मैच टाई होने पर इवेंट सेटल कैसे होगा, तो मैं फटाफट जाके एक टिकट रेस कर देता हूँ। रुको जरा, उससे पहले इवेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस जाके अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको आपकी क्वेरी और प्रॉब्लम का जवाब वही मिलेगा। हर स्पोर्ट्स कैटेगरी के इवेंट पर जब आप इवेंट ओवरव्यू पे जाते हैं तो नीचे आपको आई का एक सिंबल दिखता है, उस पे क्लिक कीजिए तो आपको मैच की टर्म्स और कंडीशंस आसानी से दिख जाएंगी, जिसमें टाई होने वाली कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है। तो गाइस एक बार फिर याद दिला दूं कि इससे पिछली एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि प्रोमो पर वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको प्रॉफिट्स बनाने से दूर खींच रही हैं। अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। देखा, काम की वीडियो थी ना, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, मैं ऐसे ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेके हर वीडियो में आपसे यही मिलूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।